सौभाग्य है कि हमारी सतपथ पाठशाला में अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त युवा विद्वान डॉक्टर संजीव जी गोदा हमारे बीच पधारे हैं। बड़ी प्रसन्नता का विषय है। वे सतपथ फाउंडेशन के डायरेक्टर भी हैं और देश भर में, न केवल देश भर में, पूरे विश्व भर में सतपथ की जो गतिविधियां चल रही हैं वे उनके मार्गदर्शन और निर्देशन में संपन्न हो रही हैं। आज डॉक्टर साहब हमारे बीच में पधारे हैं। मैं उनसे अनुरोध करूंगा हमारे नन्हे मुन्ने बच्चों को कुछ संबोधन प्रदान करें ताकि वे पाठशाला में नियमित आते रहें और हमें विशेष मार्गदर्शन प्राप्त करें। वो वहीं वहीं बैठे रहे और हमको ऐसा लगेगा तो भाई साहब आगे आ जाएंगे। यहाँ से रास्ता दीजिए। बस ठीक है, ठीक। आप लोग ऐसे ऐसे बीच में डिवाइड होकर ऐसे घूम जाओ भाई साहब। थोड़ा थोड़ा तेज। अरे साइड में, साइड में सर। यस यस। जय महावीर भगवान की जय। एक ही बार बोलते हैं जय जय जय, ऐसे बोलेंगे। चलो, हम सब यहाँ सतपथ फाउंडेशन के द्वारा आयोजित इस सतपथ पाठशाला के अभिन्न अंग हैं। और कैसा लगता है पाठशाला में आप लोगों को? अच्छा, बस बहुत अच्छा। देखो भाई, ये जो पाठशाला है, नाश्ता तो बहुत अच्छा लगता है। नरेश जी वैसा कह रहे हैं, नाश्ता नहीं, असली नाश्ता वो है जो आपको यहाँ पाठशाला में पढ़ाया जाता है, जो सिखाया जाता है। सच में ये वो जैन संस्कार हैं, जैन संस्कारों के दम पर हम अपने आप को जैन होने का गौरव अनुभव करते हैं। आपको मालूम है विश्व के सब धर्म दर्शनों में जैन दर्शन सर्वोत्कृष्ट दर्शन है, सबसे महान दर्शन है जैन दर्शन। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमने जैन कुल में जन्म लिया। हम बहुत भाग्यशाली हैं जो हमारे को ये सच पथ मिल गया। ये सच पथ मिल जाना ही बहुत भाग्य से होता है। आपके और कितने साथी होंगे, कितने फ्रेंड्स होंगे जो पाठशाला नहीं आते होंगे, हैं ऐसे आसपास में, है ना? तो उन्हें प्रेरित करना कि ये पाठशाला आना क्यों जरूरी है। जो पाठशाला में आते हैं वे ही बच्चे सच्चे सुख की प्राप्ति करते हैं। हम सब सुखी होना चाहते हैं ना, तो एकमात्र सुख के लिए ये पाठशाला ही ऐसा उपाय है जिसके माध्यम से हम सच्चे सुख की प्राप्ति कर सकते हैं। हम सब यदि सुखी होना चाहते हैं तो निश्चित ही हमारे को सतपथ पर चलना पड़ेगा। बोधी जैन कौन बोल रहा है आपसे? आप पाठशाला आते हैं क्या? कौन सी पाठशाला पढ़ते हैं आप? पाठशाला का नाम बताएं। सतपथ पाठशाला। तो सतपथ पाठशाला पे आप सब यहाँ नियमित आए और रेगुलर उसका लाभ लेवें और अधिक अपने बच्चों को बतलाएं, साथियों को बतलाएं, यार दोस्तों को बतलाएं। यदि आपको अच्छा लगता है तो आप दूसरे लोगों को बतलाएंगे तो निश्चित ही आपकी संख्या भी बढ़ेगी। और देखो, यदि आपको अच्छा लग रहा है तो आप औरों को बतलाएं तो उन्हें भी अच्छा लगेगा। भाई, जो चीज हमें अच्छी लग रही है वो हम दूसरे लोगों को बतलाएं तो उन्हें भी अच्छी लगेगी ना। ये जैन धर्म जो हमें मिल गया है, ये सच में बहुत बहुत भाग्यशालीपन की निशानी है। अभी आपको महसूस नहीं हो रहा, जब आप बड़े होंगे तो आपको ये चीज महसूस होगी कि हम पाठशाला पढ़े थे। आपको मालूम है मैं आपके सामने बैठा हूं, मैं भी पाठशाला में ही पढ़ करके बड़ा हुआ हूं। ये पाठशाला में पढ़ने से ही हमें संस्कार मिलते हैं, हमें ज्ञान की प्राप्ति होती है। भगवान महावीर स्वामी कौन थे, भगवान महावीर स्वामी की क्या उपदेश है, क्या शिक्षाएं हैं, ये सब पाठशाला में पढ़ करके ही हमें प्राप्त होता है। और नियमित पाठशाला पढ़ते रहें, रोजाना रोजाना नहीं, वीकली चलती है ना पाठशाला, सैटरडे संडे, संडे की संडे। कितने बच्चे आते हैं रेगुलर आप लोगों में से? आप रेगुलर नहीं आते? ओके, ब्रह्मचारी जी आए हुए थे आपके यहाँ। अच्छा, आप नहीं आते रोजाना बेटा? आते हैं हमेशा, रेगुलर आना है पाठशाला। पाठशाला यदि आप रोजाना आएंगे तो यहाँ पाठशाला के अंदर आपको नाश्ता तो मिलता ही है, लेकिन एक और नाश्ता मिलेगा। अच्छी कहानियां सुनाते हैं कि यहाँ कौन कौन पढ़ाता है यहाँ पाठशाला में? कौन कौन पढ़ाते हैं?
सुतेश जी, रविंद्र जी, शकुन जी, विनीत जी, और सब अलग अलग पढ़ाते हैं, क्लास वाइज लगती होगी, लेवल वाइज लगती होगी आप लोगों की क्लास। चलो कोई बात नहीं, आप सब लाभ लेते रहें, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। दो लाइनें मैं बोलता हूँ, रिपीट कर सकते हैं भजन की, रिपीट करेंगे ना? हाँ। जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, जिंधरम तुझको मेरा नमन, जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, नाश्ता कर लिया आप लोगों ने? आवाज तो निकल ही नहीं रही है, थोड़ा तेज बोलना। जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, तेरी रक्षा में हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, क्या कहा वापस? हम रहे ना रहे इसकी परवाह नहीं, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे, नाम तेरा अमर जग में कर जाएंगे, जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, जिंधरम जिंधरम तुझको मेरा नमन, तेरी रक्षा में प्राणों को तज जाएंगे, हम रहे या नहीं रहे लेकिन हमारा कार्य ऐसा होना चाहिए, हमारा जीवन ऐसा होना चाहिए, हमारी लाइफ स्टाइल ऐसी होनी चाहिए, हमें देख करके दुनिया ये कहे ऐसे होते हैं जैन बच्चे। हम जीवन में कभी ऐसा कोई काम नहीं करेंगे जिससे जैन शासन की आन बान और शान उसमें किसी तरह की कोई आंच आए। हमारे माध्यम से ऐसा काम होना चाहिए कि लोग देख करके ये कहें ऐसे होते हैं जैनी बच्चे। करेंगे ऐसा काम? हमारे माध्यम से कभी गलत काम नहीं होगा, हमारे माध्यम से कभी चोरी नहीं होगी, हमारे माध्यम से कभी हिंसा नहीं होगी, हमारे माध्यम से कभी कोई ऐसा पाप नहीं होगा जैसे देख करके हमारे माता पिता, हमारे परिवार और जैन शासन की शान में किसी तरह की कोई कमी आए। ठीक है ना? तो हमेशा तैयार रहें सतपथ के लिए, हमेशा तैयार रहा करें यहाँ आने के लिए, अपने साथियों को और अधिक प्रेरणा देवें उन्हें आने के लिए, कहें यहाँ निश्चित ही आपका जीवन बहुत अच्छा होगा। देखो यहाँ आने से पढ़ने से आपकी मेमोरी बढ़ेगी, आपकी याददाश्त शक्ति बढ़ेगी, अपने आप होता है ऐसा। जब हम पाठशाला में कुछ बातें याद करते हैं, कुछ प्रश्नों को याद करते हैं, कुछ भक्तियों को याद करते हैं, कुछ स्तुतियों को याद करते हैं, तो अपने आप ही अपनी मेमोरी पावर शार्प होती चली जाती है और अपने आप याददाश्त शक्ति बढ़ती चली जाती है। आप सबका जीवन उज्ज्वल हो, आप सब जैन धर्म की ध्वजा पताका को अपने हाथ में लेकर के फहराएं, जैन शासन की शान में कदम बढ़ाते चलें, इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं।